एमपी ने हमारे बरियारपुर ग्राम को आदर्श ग्राम घोषित किया। इसके बाद यहाँ कई मीटिंग हुई, कलेक्टर स्वयं आए थे। उस मीटिंग में चंद तरह की बातों का प्रस्ताव आया, जिसमें हॉस्पिटल, सड़क, पानी टंकी, इन सारी व्यवस्थाओं का उसमें उल्लेख हुआ, जिसमें अस्पताल का नाम अहम भूमिका में आया और वह अस्पताल के लिए एक ज़मीन का खोज किया गया, जिसमें बरियारपुर राम जानकी मठ का एक बगल ज़मीन है, उस ज़मीन पर हॉस्पिटल का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। उस समय से आज तक प्रक्रिया होते रहा, एमपी साहब के द्वारा कार्य आगे बढ़ता रहा और कहां तक गया, फिर एमपी साहब के माध्यम से या मुखिया के माध्यम से ग्राम में किसी को यह सूचना नहीं हुआ कि यह कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसका कुछ प्रारूप तैयार अभी तक नहीं हो सकता है। इस तरीके की कई सारे मरीज हैं जिनको काफ़ी बीमारियों से वो लोग जूझ रहे हैं, लेकिन इतने घने आबादी में एक छोटा सा उप स्वास्थ्य केंद्र है जो उस पंचायत के एक पंचायत भवन छोटा सा रूम में चल रहा है। छोटा सा रूम में होने के कारण वहाँ न तो डॉक्टर, कंपाउंडर या नर्स कोई भी समय से आते हैं, यानी कि कभी आते भी नहीं है, जिस कारण वहाँ की मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है और उन लोगों को अपने गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर सीतामढ़ी आना पड़ता है। और यहां भी जिला अस्पताल होने के कारण, काफ़ी भीड़ होने के कारण उन लोगों को इलाज नहीं हो पाती है, उन लोगों को वापस घर लौटना पड़ रहा है। लोग यहां से, गरीब आदमी सब भाड़ा किराया लगा कर जाता है, वहां लंबी कतार लगी रहती है, फिर भी उस कतार में भूखे प्यासे खड़ा रहता है और वहाँ जब नज़दीक पहुँचता है तो टाइम फेल हो गया रहता है, फिर वापस करे चला आता है। फिर कल होकर के दूसरे दिन, तीसरे दिन बहुत प्रयास करने के बाद, क्योंकि बीमार आदमी को बार बार जाना अपने आप को असहज महसूस होता है और वह जा नहीं पाता है। और वहाँ कभी पहुँच भी गया तो मरीजी को झूठ मूठ के खाना पूरी करके भेज दिया जाता है। आज मलेरिया के चेक के लिए दवा नहीं है, तो एक्सरे करने के लिए मशीन नहीं है, एक्सरे नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, तो दवा किस बात की सूट करेगा शरीर का, इसलिए वह सूट नहीं करता है और वह छटपटा कर रह जाता है। ऐसे कई एक मरीज पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में अपना प्राण त्याग देते हैं। मैं वीडियो देखने वाले सारे दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि वो जिला सिविल सर्जन अधिकारी को इस नंबर पर फोन करें, जो नंबर है 9470003747। इस नंबर पर फोन करके इस भवन को बनवाने में और उन लोगों को समस्या को सुलझाने में मेरी मदद करें। मैं गुड्डी, जिला सीतामढ़ी, बिहार, इंडिया, अनहट की।